ये कितना क्यूट है, देखे इसको तो खोलने को ही दिल नहीं करता रिमल। अटक गया। बाय, लगता है कोई मिल गया उसको, यार ऐसे नहीं वीडियो बन सकती। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो है। इसमें मैं रिव्यू करूँगी इस शीट मास्क का, जो कि है मिनीसो का शीट मास्क है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ये मास्क बेसिकली आपकी स्किन के लिए करता क्या। इसके ऊपर मेंशन है कि ये हाइड्रेटिंग और रिवाइटलाइजिंग है। इन दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि हाइड्रेटिंग का सबसे पहले मैं मतलब बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद रिवाइटलाइजिंग का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी स्किन डल नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे बबली बबली सी स्किन हो जाती है, इस तरह से आपकी स्किन हो जाएगी। आगे इसमें मेंशन है प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर लिखा हुआ है कि मेड ऑफ बेबी सिल्क दैट इज प्रोसेस्ड बाय जर्मन सीडी वीविंग टेक्नोलॉजी, लाइट वेट एंड ब्रेथेबल, इफेक्टिवली लॉक्स इन मॉइस्चर एंड क्लोजली अडहेयर्स टू स्किन, कंटेन्स नेचुरल पील ऑयल टू अनक्लॉग मॉइस्चर ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स एंड डीप हाइड्रेट स्किन, डिलीवरिंग हाइड्रेटेड स्किन एंड रिस्टोरिंग स्किन वाइटलिटी। ये सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये जो शीट मास्क है ये बेसिकली बहुत ही थीन फैब्रिक का बना हुआ है, और अगर आप इसको टच करेंगे तो बहुत सिल्की सा फील होगा, यानी आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मेंशन है जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाले। थर्ड चीज़ जो है वो है कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। आपने अपने फेस को प्रॉपर क्लीन करना है और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपने फिर अपने फेस को वॉश नहीं करना, आपने उसको अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, और 2 से 3 दफ़ा आपने वीक में इसको यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है, जो आप इतना ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन सारी डल हो जाती है, सारी डेड स्किन आ जाती है ऊपर, तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन हो जाए। उसके बाद आपकी स्किन ग्लो करेगी ज़रूर, क्योंकि अगर आपकी स्किन का पीएच लेवल पूरा है तो आपकी स्किन ग्लो करती है उससे। अच्छा, उससे आगे मेंशन है कि मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ है और कितनी देर के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि इसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं। इसको तो बहुत एहतियात से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये शीट मास्क वाकई में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और थिन फैब्रिक है इसका। अब आपने इस शीट मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पर अप्लाई किए रखना है। किसके पास आना है? मेरे पास आना है। अच्छा, तो टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही होती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि सीरम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं शीट मास्क को रिमूव करूंगी अपनी स्किन से। कैन यू सी द डिफरेंस?
एकदम से आपकी स्किन के अंदर ग्लो आता है शीट मास्क अप्लाई करने से। स्पेशली अगर शीट मास्क ही इफेक्टिव है तो आपको पता चल जाएगा, जब आपने शीट मास्क अपने स्किन पे अप्लाई किया होगा उस टाइम पर शीट मास्क की वजह से आपकी स्किन के अंदर सेंसेशन सी आती हैं, ठंडी ठंडी सी, इस तरह फील होता है जैसे वो आपकी स्किन को चेंज कर रही हैं, स्किन के अंदर कुछ ऐड कर रही हैं, इसलिए आपकी स्किन के अंदर सेंसेशंस आती हैं। और जब मैंने ये शीट मास्क अप्लाई किया हुआ था तो मुझे फील हो रहा था, इसीलिए इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं। अच्छा, ये मेरी स्किन के ऊपर इसका फाइनल रिजल्ट है। अगर आपको लगता है कि ये मास्क इफेक्टिव है तो आप जाकर मिनीसो की किसी भी आउटलेट से ये मास्क खरीद सकते हैं अगर वहाँ पर इस टाइम पर अवेलेबल है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की लगी ये वीडियो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो भी चुप हो गए।